हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है न्यू विशाल मार्ट पे गाइस। तो ये है शॉप, तो इसी को हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो आप पहले बाहर से देखिए, मैं बाहर से वीडियो बना के आया हूँ, पहले आप लोग उसको देखिए, फिर आप लोग को अंदर का दिखाते हैं। तो गाइस ये है न्यू विशाल मार्ट, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और अब आप लोग रात में देखिए कि क्या कैसा दिखता है, मैंने रात में वीडियो बनाया। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं रात में कुछ ऐसा नज़ारे हैं यहाँ के, बगल में देख सकते हैं गाइस वहाँ पे मंदिर भी है और यही सब है नज़ारे मार्ट के बगल में। तो चलिए गाइस चलते हैं इसके अंदर और फिर वीडियो को अंदर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस शीशा लगा हुआ है। चलिए गाइस यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं, नीचे है मेंस वियर और ऊपर है काउंटर मेन। तो चलिए पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं और फिर आएंगे नीचे और आप लोग को दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मेन फ्लोर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ये हम लोग का कैश काउंटर, आप देख सकते हैं गाइस। ये अपना कैश काउंटर, बिल मशीन रखा है, इससे बिल निकलता है, देख सकते हैं गाइस। मैं आप लोग को 0 रुपये का बिल निकाल के दिखाता हूँ। तो ये गाइस आप लोग बिल देख सकते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग देख लीजिए 0 रुपये का मैंने बिल निकाला, आप लोग पूरा देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आइए आप लोग को आगे ले चलते हैं, हमारा LED रखा है कैमरा के लिए और हम लोग यही है अपना शॉप। ये बार कोडेड मशीन है, थोड़ा सा ख़राब चल रहा है इस समय, सही सही कराना है हम लोग को। ये अपना शॉप आप लोग देख सकते हैं गाइस, जैसा कि थोड़ा सा आप लोग को दुकान उल्टा सा लग रहा होगा, बट सीजन का महीना है ना, इसीलिए थोड़ा सा उल्टा, इसीलिए दिन में ब्लॉग बनाना मुझे सही नहीं लगा, तो मैं वीडियो रात में ही बना रहा हूँ दुकान बंद करने के बाद। आप लोग शटर देख सकते हैं गाइस, शटर बंद है, मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ क्योंकि दिन में मुझे बनाना सही लगा, कस्टमर रहते हैं। मैं दिन का एक आध दो शॉट्स आप लोग को रखा हूँ, दिखा दूंगा अभी वीडियो के एंड में। आइए तो आप लोग दुकान इन्जॉय करिए, देख लीजिए कैसा है। तो गाइस अब हम लोग लेडीज वियर पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कुर्ती गाउन फ्रॉक ये सब रखा है, इसके ऊपर कोट पैंट एंड है और बगल में आप लोग को मैंने साड़ी दिखाया है, आगे पैंट शर्ट का कपड़ा है और यहाँ पे आप लोग पर्दा वर्दा भी देख सकते हैं गाइस। और कमरे में भी कुछ साड़ियाँ रखी हैं अच्छी अच्छी, पीछे देख सकते हैं गाइस, पीछे आप लोग देख सकते हैं गाइस जींस टॉप है हम लोग का लगा है और पीछे वॉशरूम भी है और प्लस चेंजिंग रूम भी है पीछे। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हम लोग का साड़ी स्टोर हुआ है, मतलब नई नई साड़ियाँ इसमें रखी हैं और कुछ ब्लाउज का पीस अभी जमीन पर पड़ा है, उसको भी सही से लगवाना है, तो वो काम तो कल ही हो पाएगा, अभी तो सारे स्टाफ चले गए हैं। आइए यही है और चलते हैं बगल में, आप लोग को दिखाते हैं कैसा क्या है। ये रूम है, इसमें भी ज़्यादा सामान नहीं रखा है, यहाँ पर लाइट भी चली गई है। आइए ले चलते हैं आप लोग को नीचे, उसके बाद आप लोग को ले चलेंगे ऊपर वाले फ्लोर पर, चलिए चलते हैं नीचे। फ्लोर काट चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर है तो ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदा है क्योंकि हम लोग रात में झाड़ू नहीं मरवाते हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं फ्रॉक रखा है, बगल में लोअर टी शर्ट का है डिपार्टमेंट और टी शर्ट लोअर आगे भी लगा है और शर्ट वर्ल्ट भी इधर लगा है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। ये मेंस वियर का काउंटर है तो ज़्यादातर इसमें मेंस वियर ही लगा है, इसलिए हम थोड़ा सा लेडीज फ्रॉक लगवा चुके हैं, बचाने के बाद ऊपर जगह नहीं था इसीलिए। ये सब देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरा शर्ट वर्ल्ट लगा है, पूरे डिब्बे में टी शर्ट लगे हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे बचकानी काउंटर है, किड्स वियर है देख सकते हैं गाइस आप लोग, छोटे बच्चों का सामान यहाँ पे मिलता है और ऊपर भी मिलता है, ऊपर मैंने आपको दिखाया है। तो अब आ चुका है आप लोग का असली मेंस वियर, यहाँ से पूरा जींस लगा है आप लोग देख सकते हैं, पूरा जींस है यहाँ पे, यहाँ पे शर्ट लगा है, शर्ट हम लोग यहाँ लगवाए अच्छा लोगों की जगह बहुत मिलता है और इतना जगह नहीं है कि शर्ट अड्डे में लगवाने लगेंगे तो पता लगेगा जगह ही बच जाएगा और बीच में अड्डा लगाने का कोई मतलब नहीं आता है, इसलिए शर्ट हम लोग जमीन पे लगवाए हैं।
यहाँ से दिखाने में भी आसानी होता है क्योंकि अड्डे में रहता है, फिर निकालो तो बहुत जाम हो जाता है, तो समझ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता है, ये वाला हम लोग ने लॉक कर दिया है, एक ही रास्ता खोला है, वो भी छोटा सा ही खोले हैं क्योंकि ज़्यादा डीलिंग पीछे से ही हो जाता है, आगे से बहुत कम होता है, इसीलिए अलग थोड़ा सा ही खोले हुए हैं, सारा डीलिंग नीचे से ही है बाहर से। तो आइए गाइस ले चलते हैं आप लोग को इसके थर्ड फ्लोर पे और दिखाते हैं कैसा है। हाँ तो गाइस थर्ड फ्लोर पे जाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ दिन का वीडियो बनाया हूँ वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। आप लोग देख लीजिए दिन में क्या हाल था दुकान का, इसीलिए मैंने दिन में वीडियो नहीं बनाया। तो गाइस आप लोग दिन में देख सकते हैं दुकान का क्या हाल है, इसीलिए मैंने दिन में वीडियो नहीं बनाया। देख सकते हैं गाइस क्या हाल हुआ है, पूरा सामान इधर उधर छितराया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अभी सब स्टाफ इसको सही कर रहे हैं। ये ऊपर का फ्लोर तो कुछ हद तक ठीक ठाक था, बट नीचे का फ्लोर का बहुत बुरा हाल था। ये देख सकते हैं गाइस कोट पैंट आया था, दिल्ली का पेटी था, कट्टी वाले पेटी में आता है। चलिए गाइस ऊपर का वीडियो आप लोग देखिए। थर्ड फ्लोर। तो गाइस हम लोग थर्ड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ज्यादातर कोट पैंट भी रखे हुए हैं और शेरवानी। आइए आप लोगों को पहले पीछे दिखाते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ पे बचकानी कोट पैंट अभी आया है माल, दो दिन की शॉर्टेज थी इस कोट पैंट की और अभी आया है। नीचे भी आप लोग को दिखाया था, नीचे भी माल अभी पड़ा है इसका, एक पेटी ऊपर पड़ा है, एक पेटी नीचे पड़ा है। आइए इधर दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे कोट पैंट पैंट का शूज भी रखा है, मतलब ये जूता कोट पैंट वाला भी आप लोग देख सकते हैं, दूल्हा वूल्हा भी यही सब जूता पहनते हैं, बाराती भी। और उसके बाद इस रूम में भी कोट पैंट ही रखा हुआ है पूरा, और कोट पैंट आपको हर रेट में मिल जाएगा, 2000 से स्टार्टिंग है, 2500, 3000, जिस रेट में चाहिए सारे रेट में कोट पैंट है। कोट पैंट का स्टॉक हम लोग के पास अवेलेबल है इस समय, क्योंकि सीजन है ना, लगन का महीना है, इस समय कोट पैंट रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोगों ने कोट पैंट देखा, यहाँ पे भी आप लोग कोट ही पैंट देखेंगे, क्योंकि कोट पैंट का स्टॉक की हम लोग कमी नहीं रखना चाहते, बिकॉज कस्टमर आए तो लौटने ना पाए, उसको ये ना लगे कि हम लोग को फैजा भर जाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग कोट पैंट का इतना स्टॉक रख लिए हैं कि किसी को परेशानी मत हो। और यहाँ पे शर्ट भी कोट पैंट वाला ही है, मतलब कोट पैंट पे जो शर्ट लगता है वो रखे हम लोग देख सकते हैं गाइस, प्लेन प्लेन शर्ट है। और यहाँ पे इतना शर्ट रखे हैं कि मतलब जिसको जो कलर पसंद हो अपना ले ले भाई, कोई दिक्कत ना हो इसी को। यहाँ से आगे आते हैं पीछे वॉशरूम है, आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ से आप लोग का स्टार्टिंग होता है शेरवानी का, यहाँ पे भी कोट पैंट हम रखते हैं, वो तो स्टॉक था आपको दिखाए थे, दिखाने वाला काम यहाँ से है कि बचकानी कोट पैंट है किस ईयर का। और यहाँ पे आप लोग शेरवानी इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, इतना अच्छा पीस है, प्यारा पीस है। और ये सोफा लगाए हैं, मतलब जिसको कोट पैंट लेना भाई वो तो आराम से बैठ के ही ले जाना, साथ में यहाँ पे शीशा भी लगा है बगल में। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे ये लगा है। यहाँ से फिर स्टार्टिंग हम लोग का कोट पैंट, आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये है रिटेल के लिए कोट पैंट, मतलब कस्टमर आता है तो उसको अंदर से मतलब नहीं पसंद आता है तब दिखाते, क्योंकि पसंद आ ही जाएगा, इतना पीस इसमें लगा है, ये पसंद आना स्वाभाविक सी बात है, वो तो रखते हैं स्टॉक की, बार बार मंगाना ना पड़े भाई साहब, कौन बार बार मंगाए, अभी दो पेटी गिरा है कोट पैंट। और यहाँ पे आप लोग शेरवानी देख सकते हैं, शेरवानी की भी बहुत स्टॉक है, कमरे में भी लगा है, यहाँ पे भी शेरवानी है। नीचे बचकानी कोट पैंट आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स में, और ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब, प्लीज इसका देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग प्लीज देखिए गाइस झटका है, उसका रेट भी कम ही है, 1500-1600 के रेंज में आप लोग को ये अलग कोट पैंट मिल जाएगा। गाइस आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे नया शेरवानी का स्टॉक आप लोग देख सकते हैं गाइस, अरे आप लोग को देखने में कम लग रहा होगा, इसके नीचे बहुत बहुत पीस पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं, जैसे खाली ऊपर का पीस आप लोग देख रहे हैं, नीचे नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पे कुर्ता का स्टॉक मैंने आपको दिखाने के लिए, मतलब कुर्ता पैजामा जो सेट वाला आता है, उसमें पगड़ी लगा रहता है, यहाँ पे रखता है।
था मैं यहाँ साथ में सब्जी वाला जिस कहते हैं यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सदरी है, सिंपल सा सदरी, क्योंकि सदरी ज़्यादातर ठंडी में ही चलता है, इस समय इतना सदरी नहीं चलता है, सदरी का स्टॉक अभी नहीं रखते हम लोग इतना खासा। यहाँ पे आप लोग पगिया देख सकते हो, कोट पैंट के साथ पगिया नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और एक से एक है गाइस, देख सकते हो गाइस एकदम डिफरेंट पीस है, हट के चीज़ है, पहन लेगा तो फिर भाई साहब क्या बताऊँ उसके बाद तो आपको क्या बताना है। देख सकते हैं आप लोग क्या गजब का पगिया है, ये पूरा पगिया लगा है यहाँ पे इतना स्टॉक इस समय। बगल में इंडो वेस्टर्न कुर्ता है, सदरी वाला नहीं है, प्लेन कुर्ता है, देख सकते हैं गाइस। इंडो वेस्टर्न पार्टी वियर है, मतलब दूल्हा वाला के साथ जो रहता है, साथ में यहाँ पे माला तीन पीस अभी रखा है, नीचे रखा है माला। आइए गाइस अपना शॉप आप लोग देख चुके हैं तीनों मंजिला, यहाँ पे हम लोग होलसेल भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को विशाल मार्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साड़ी वाड़ी सब कुछ मिलता है, जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, बार कोडिंग सिस्टम था। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अभी तक नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब चीसुगिल 392। Thank you for watching this video.